जयकारा गुड़गा मेवाड़ी माता का बोल सच्ची दरबार की। नमो भी गुजर ब्लॉक नहीं चलो किस तरह है भूत है बला है। सुनो मेरी बात पीछे वो बोले नहीं बताए नहीं अपने रूप से जितने हमारे को क्या पता वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। और हम किसको बोले किसको बुलाएं जितने भी भक्त एक दो भी दो लगाए हैं वे कहते हुए तुम्हारे पास के हुए कहीं भी दिखा लो है सारे देव फिर देवता तो फिर ये बहुत देखो देवता है तुम्हारे घर के ये बात सत्य है और पर तुम्हारे देव देवता बचनों में चल रहे हैं बचनों में चल रहे हैं बचनों को खुलवाएंगे नहीं वो बात आपकी ठीक है खुलवाएंगे उस चीज को समझ गए आप पर खुलते भी उस भगत के पास ही है जो भगत से खोल सकता है। देखो जो बात है क्लियर ठीक है कल मान लो मेरे पास भी आ रहे हो मेरे पास भी ना खुलेंगे तो फिर और कहीं लेके जाएंगे ये भगत को पड़ता जहाँ खाएगा जहाँ लगता है कि भगत यो खोल सकता है भैया मेरा काम इससे करवा सकता है तो खुलेंगे। एक बात बताओ जब माई नहीं खोल सकती कोई नहीं खोल पहले ये बताओ तुम्हारे मसानी पे दूध ही है तो कौन देता था दूध या कौन चढ़ाता है दूधिया नहीं देते माई को मतलब तुम्हारे परिवार में कोई दूधिया नहीं देता दूधिया दूधिया मतलब बच्चा 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 माई का बच्चा मसाणी के जो बच्चे थे सूरी के बच्चे उसे दूधिया बोलते जो पैदा होकर दूध पीते हैं वो बच्चा किसको चढ़ते हैं किसी ने नहीं दिए पीछे कभी दिए वो किसी ने तो पता नहीं हमने क्या नाम आपका किसान हाँ खड़ी खड़ी थी गिर पड़ी है अच्छा और ये सब टूट टूट गए थे और ये मकान कोई भी हाँ अच्छा ठीक है हर शनिवार को सात शनिवार को अपनी बाइक पे इसके सामने नींबू रख के और चुपचाप उसके ऊपर से बाइक चढ़ा के ले जाएंगे और उसके बिल्कुल घर के सामने नींबू रख सात शनिवार जैसे सुबह लिख लो ना शनिवार को बाइक के आगे नींबू रख के और माँ कालका का नाम लेके शीतला भवानी का नाम लेके और उसके ऊपर से बाइक लेके निकल जाओ चोर कुछ खदा नहीं खा पा तो कोई बात नहीं हाँ रात को भी जाओ रात को भी कर दो रोजगार के लिए जाते हो ना जब रोजगार के लिए अपना काम कर दो उससे माँ कुछ नुकसान नहीं होने देंगे। क्या कह रहे हैं दुकान ठीक है तुम ना पे घर लगा के गए थे अच्छा वो देना भाई एक लाल चुन्नी दे दो अपने मैन दरवाजे में बांध देना और माँ भगवती को बोल रहे माँ जितनी जल्दी हो मुझे इस घर से नया घर दिलाओ और मेरे इस मकान को बिकवाओ जब मेरा माँ मेरा नया मकान मिल जाएगा जब मेरा ब्याह ना लग जाएगा तो माँ मैं तेरी कढ़ाई लगाऊंगी जब ही बांधने के टाइम पे बोल देना ठीक है चलो कहाँ से आए हो पहली बार आए हो ठीक है तेल लेके आए हो मंगलवार को देखती हूँ काम चल रहा था फिर चौकी लगी ठीक है आप फोटो दिखाओ फोटो लो भाई आपके साथ ठीक है हम राजपुरी से जुड़े हुए थे क्या पहले आप पहली बार आए हो किसकी अच्छा कब से देखते थे यूट्यूब पे आपका हस्बैंड है तार दूर पीता है मार पिटाई भी करते तेरे साथ एक ही बेटी है एक बेटी अच्छा ये बेटी तो बहुत छोटी है तो बड़ी भी लेके आती है अब ये तो बचपन आया इसके बचपन में क्या देखेगी मैं बड़े की लेके आती ठीक है पहले ये बताओ ये आश्रम वाले जो उनके ऊपर हाजिरी आई थी बोला था कि मेरा मंड बनाओ अच्छा ठीक है कौन सी माँ आई थी ये तो पता नहीं उन्होंने बताया मंड किसके नाम का है
मंड तो गुड़गांव वाली के वहाँ को बता रहे जो चुराए वाली जो है खुड़गा में मतलब शीतला मसानी का ठीक हाँ। है उसका मंड है वो हाँ। 1100 रुपए की क्यों बात करी भाई कल क्या क्या कोई क्या सोचेगा ये बताओ मुझे पहले 1100 रुपए जो इसके पापा ने दारू पी रखी थी जब उन्होंने बोला था कि 1100 रुपए मैं दूंगा अच्छा हाँ। पर नहीं मेरे को तो गलती से माँ बाबू इस तरीके से बता रही है कि सबसे 1100 रुपए की बात हुई है सबसे 1100 रुपए मांगे हैं नहीं किसी ने हाथ नहीं उठाया माता देने के लिए सिर्फ मैंने बल्कि जितने मेरे पे बनेंगे मैं दूंगी कहाँ है 1100 रुपए किसको दिए बनेगा जब देंगे ठीक है जब तुम बनाएंगे हाँ। उसमें 1100 रुपए का जो तुमसे मिस्त्री का जो कुछ बनता है वहाँ लगा देना किसी को दान नहीं करना नहीं देंगे अगर उसके नाम पे किसी पे भी हाजिरी आके बोल ले कि मेरा मंड बनवाओ कभी माँ मंड जब तेरा बनवाएंगे तब तुम हमारे हाथ खोल के देगी ये तो मैंने कह दिया माँ मेरा करो मैं तुम्हारा बनवाऊंगी हर किसी पे माँ आके बोलेगी तो मैं नहीं कर पाऊंगी नहीं नहीं मैं किसी मेरी भी इज्जत है माँ चार आदमियों में और तुम घर में चिड़चिड़ेपन क्यों हो रहा हर किसी के साथ क्यों नहीं बन पा रही बिगड़ती क्यों जा रही सबकी शादी लड़की तुमने विदा करी पर तुम्हारे घर में संकट जैसे घुस गया हो हाँ माता बस यही हाल हो रहा है वो अपने उपरांत होकर चल रहा है वो अपने उपरांत होकर चल रहा है मतलब कोई एक तरह बैठ के नहीं खा पा रहा सब अपने अपने मुहाल चल रहे हैं ये तो है माता हाजिरी नहीं लेनी है हाजिरी ले लेके पूरा घर बर्बाद कर दिया तूने ये तो है माता ये तीसरे दिन हाजिरी लेता है इतनी कौन सी शक्ति हो गई जब इतनी वेली बैठी है जो तेरे लिए आ जाती है तुरंत और आती है तो कुछ चमत्कार तो कर घर में सबका काम धंधा छुटा बैठे सब बेघर हो रहे हैं चार पैसा लगाया किसी का उतारना नहीं है क्या कैसे उतारना है तेरी हाजिरी झूठी है फिर तो तू तेरा बच्चा नहीं बोलता उल्टा सीधा माँ बहन को गाली नहीं बकता हो मेरे सामने झूठ बोलेगा गद्दी में बैठी है माँ भैंड की लोड़ी फैंड की लोड़ी कुतिया रंडी ये किसे बोलता लफ्ज गुस्सकती कभी भी गाली नहीं बकेगी जब तक उसको उसके नियम का सम्मान नहीं होएगा जब एक जन्म देने वाली की इज्जत नहीं करते तो उसकी क्या पूजा कर लेंगे तुम ये जवाब तो पहले मुझे जब एक जन्म देने वाली की इज्जत नहीं होती तो तुम किसकी इज्जत कर लेंगे शक्ति की को तुम्हारे शीश में से कितने दही देता खेल जाओ किसकी करते थे उसकी माँ से पूछ के देखो अम्मा बता कितनी इज्जत होती है तेरे इस घर में और दरबार में बैठी है तेरे को तेरा बेटा कितना समझता है तुझे बताओ हाँ जब कहनी पड़े सही बात है जब अगर तुम्हें लगता है कि भाई मेरे घर में मेरी चलती है सुनना मेरी बात अभी फिलहाल मैं अपने बच्चे से बात कर रहा हूँ मैं शक्ति से बात नहीं करूंगा शक्ति को साइड में कर दो हर शक्ति का एक नियम होता है तू पूरा दिन शक्ति खिलाएंगे तो शरीर में फिर तुम शरीर में आराम कहां से मिलेगा तुम्हें इनकी भी कोई इज्जत होती इनकी भी कुछ सम्मान होता है ये शक्ति है भगवान है ये इतना कोई वेले नहीं है ये शक्ति तो उठ के तुम्हारे पास तुरंत आएगी और तुम उसे तुरंत याद कर करके भुला लेते हो अब भाई हाजरी महीने में 15 दिन में ले आओ हाजरी की तुम्हें पावर बढ़ेगी हर तीसरे दिन चौथे दिन तुम भजन लगा के बैठे रहते हो उससे पावर नहीं बढ़ती उससे शक्तियों का सम्मान होता है कल रहा तुम्हारे घर में संकट है जब तो शक्ति आई नहीं वैसे घर में डेली कूद रही है उन्हें क्या पता लगे कि मेरे घर में कौन क्या करके चले गया वो तो गद्दी पे ही माँ बच्चे ने बताया तुम्हें कि तुम पे कोई क्रिया करने की प्लानिंग चल रही है तभी तुम्हें पता लगा ना शक्ति मेरे से पहले तुम्हें बता के जाती तुम्हारे गुरु को पता लग रहा है इस बात का अगर बच्चे पे क्रिया चल रही है तो गुरु ने पहले इंतजाम कर दिया उस चीज का ये तो शक्ति होती तू तो पहले बता के जाती कि बाबू तेरे घर में ये चीज आने वाली है तू इस तरह कर दियो पहले अपने गुरु से पूछ लियो
आज तुम्हारे घर में शक्ति खिला खिला के खिला के आज तुम्हारे घर में और झमेले हो रही है। शक्ति ने दिखाया था तो उसका नियम भी तो बताया होगा। नहीं, नहीं, दिखाने से कुछ नहीं होता, नियम भी बताने चाहिए। आज जो तुम्हारे घर में ये जो कहानी बिगड़ी पड़ी है ना, इसी कारण से तुम एक शक्ति के बच्चे हो और शक्ति को समझो। गंध में हाथ डालेंगे तो गंध ही मिलेगा और भगताई में हाथ डालेंगे तो भगताई मिलेगी। समझ पा रहे हो बात को? वो सब चीजों को छोड़ो, गाली गलोच तो तुम्हारे मुंह कौन ही। हाँ देखो, ये बात नहीं कि गाली गलोच नहीं होती, होती है, लिमट की होती है। पर एक माँ को गाली देना एक बहुत बड़ा पाप है। वो माँ को नहीं समझ पाए तो तुम जगत में किसी शक्ति को नहीं समझ पाएंगे। और किसी के सामने खेल गई ना शक्ति तो और वो भगत चार बार तुम्हें सुना देगा ना। तो मान लो कि गुरु की इज्जत रख लेती भक्ति भगवती, वहां को कोई किसी की इज्जत नहीं रखेंगे। और तो तुम्हें इतनी क्रोध में क्यों आती है इसके ऊपर? ताले रीजन बता क्रोध का, इतनी क्रोध में क्यों आती है? तो पूछा क्यों देती है लोगों की? गुरु है इस बच्ची का, फिर बिना गुरु के तू कैसे दुनिया को भला कर रही है? मुसीबत आ गई, संकट आ गया, कौन काटेगा? मैं। तू कैसे काटेगी? गुरु बनवाऊंगा। कब बनवाएगी? देते तू बना देते पूछो इनसे। सब कुछ दे दूंगी मैं। इतनी क्रोध की, जब मैं ना हर एक मुसीबत से बचाऊ तो मैं तो क्यों गायब क्या आगे ना उसी रास्ते से फिर भाई तुम जब इसका गुरु क्यों नहीं बनवाते तुम? तुम्हें पता है कितनी क्रोध की माँ आई हो तो चल रही है। अब वो कह रहा है कि मेरी माँ तब बुझले, मेरी माँ क्या है तब बुझले भाई। सच्चाई बोलते हैं बेटा, कौन पूछा तुम्हारी? उस दिन हो चुकी थी, किसने नहीं दी? तारे घर के बताई नहीं थी? अच्छा तो बता दी, पैसे किस पाव है?
अच्छा ठीक है, माँ ने पिछली बार क्या पूछा दी थी? माँ कोई थी उसने लिया ठीक है। तो थारा के जब माँ बता रही तुम बार बार में क्यों पूछ रहे बात को? फिर तो तुम माँ को फिर माँ को तुम समझ ही ले रहे। जब सच्ची सरकार आके बता गई तो तुम क्यों गद्दी पे फिर भगत पे विश्वास कर रहे हो, ये बताओ पहले तो। सुनो मेरी बात, तो तुम ये कह रहे